कमर बाजे कर निशान भैया मोदी जी के भाई शान भैया प्रांगण में ए भैया प्रांगण में ए भैया प्रांगण में पधर ले योगी आदित्यनाथ जी महान। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव होना है। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम नेता जो हैं वो एक दल से दूसरे दल में जाना शुरू कर दिए हैं। आज राजभर समाज का एक बड़ा जो है कुनबा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, जहां पर पिछली बार जो है ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में उनके सहयोगी थे और उत्तर प्रदेश भाजपा ने उन्हें जो है मंत्री भी बनाया था, लेकिन अपनी कुछ मांगों को लेकर के उनकी बात नहीं बनी तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो आज जो ओम प्रकाश राजभर हैं, जो उनकी पार्टी है भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी, उसके भी कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और राजभर समाज के जो है कई बड़े चेहरे आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो ये नेता हैं वो एक दलों से दूसरे दलों में उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से आज राजभर समाज के लोग शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर के जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो राजभर समाज है वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया था, वैसे ही 2022 में भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी जनता का अपार समर्थन जो है भाजपा को मिल रहा है और सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी और तमाम नेता जो हैं आज वो जो है सुभाषपा छोड़ के जो है भाजपा में शामिल हुए हैं। तो उनके शामिल होने पर जो है संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने ये भी कहा है कि जो राजभर समाज के लोग हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, इनके जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और 2022 में राजभर समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। ओम प्रकाश राजभर के साथ राजभर समाज नहीं है, क्योंकि राजभर समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है सदैव काम किया है। राजभर समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है उनको ध्यान में रखते हुए जो उनकी चीज़ें थी उसको पूरा करने का भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। तो लगातार जिस तरीके से जो है एक दल से दूसरे दल में नेता जा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ के कुछ आज राजभर समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को इसका जो है नुकसान भी होगा, क्योंकि जो बड़े चेहरे थे, जो बड़े नाम थे भारतीय जनता पार्टी में, आज वो शामिल हुए हैं। तो अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से लोग एक दल से दूसरे दलों में उन्होंने जाना शुरू कर दिया है, इससे क्या फ़ायदा मिलता है 2022 के विधानसभा चुनाव में, क्या जो है रणनीति जो है सारी पार्टियां बनाती हैं, किस आधार पे 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच में जाएंगी। कमर बाजे कर निशान भैया मोदी जी के भाई शान भैया प्रांगण में ए भैया प्रांगण में ए भैया प्रांगण में पधर ले योगी आदित्यनाथ जी महान ए भैया प्रांगण में पधर ले योगी आदित्यनाथ जी महान निरहु वीरेंद्र के राजकुमार गुप्ता जी देहले बाटे आशीर्वाद हो दुखियन गरीबन के बारे चहेता सभी के बाटे साथ हो कहे निरहु वीरेंद्र चौहान। लखनऊ से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए कृष्णा मोहन मिश्रा।